प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। उसके बाद यहाँ पर लोग पहुँचते हैं अपने परिवार के साथ, यहाँ पे आते हैं, म्यूजियम का आनंद लेते हैं। संग्रहालय की बात करें तो काफ़ी अच्छा संग्रहालय आज तक के प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हम ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं, आगे चलते हैं कि किस प्रकार का संग्रहालय के अंदर व्यवस्था की गई है, किस प्रकार का लोग यहाँ पर आते हैं, पर्यटक आते हैं और देखते हैं और संग्रहालय का आनंद लेते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं। पीएम संग्रहालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान के निर्माण तक की कहानी बतलाएगा। इस संग्रहालय में देश के सभी 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों की यादों को सहेजा गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय को 3 मूर्ति भवन में बनाया गया है। इसे नेहरू म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, हालांकि इसे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। इसका निर्माण 15,600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हुआ है। होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मल्टी टच, मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रिक क्यूस्क, कंप्यूटराइज, काइनेटिक स्कल्पचर, स्मार्टफोन एप्लीकेशन, इंटरैक्टिव स्क्रीन जैसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस संग्रहालय को सजीव बनाया गया है। यह संग्रहालय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के संविधान निर्माण तक की गाथा को भी सुनाता है। साथ ही यह भी बताता है कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारत को नई राह दी और देश के सर्वांगीण विकास के लिए योगदान दिया ताकि देश की प्रगति सुनिश्चित हो। पीएम म्यूजियम का निर्माण दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में नेहरू स्मारक में हुआ है। इसे करीब 15,600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया गया है। म्यूजियम का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है। इसे इसके नेताओं के हाथों से आकार दिया गया है। डिजाइन में टिकाऊ और ऊर्जा संरक्षण प्रथाओं को शामिल किया गया है। संग्रहालय का लोगो राष्ट्र और लोकतंत्र का प्रतीक धर्म चक्र धारण करने वाले भारत के लोगों के हाथों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे पहुँच रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। क्या मानते, इसके पहले कभी भी इस प्रकार का संग्रहालय नहीं बन रहा था, क्या मानते, कितना अच्छा संग्रहालय? सो इस सैटरडे संडे को यहाँ पे 1500 लोग के करीब आए थे और बहुत सारे, अगर आप गूगल्स में रिव्यू देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि पहली बार इंडिया में म्यूज़ियम का स्टैंडर्ड इतना हाई हुआ है। सो बहुत खुशी मिलती है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और ये मोस्टली म्यूज़ियम इंडिया में फ्री होते थे, तो यहाँ पे अगर आपको सारी एक्टिविटीज़ करनी है तो 220 रुपये का टिकट देना पड़ता है। और हम टिकटिंग 3-4 बजे बंद कर रहे हैं बिकॉज़ म्यूज़ियम की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सो वी आर वेरी प्राउड कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों से वो बहुत ही अच्छा है। राजीव गांधी गैलरी यहाँ पर है जिसमें कहते हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है कैसे इम्प्रूव भारत की हुई, जिसमें आप देख पा रहे हो कि कहते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो हमारी भारत में जब आई वो कैसे किन के माध्यम से आई, राजीव गांधी जी के माध्यम से आई, उनका भी एक योगदान रहा इन चीज़ को, टेक्नोलॉजी हमारी भारत में लेके आने के लिए बहुत बड़ा योगदान था। टेक्नोलॉजी, टेलीफोन, एसटीडी बूथ समथिंग, वो उनके ही योगदान पे हुआ या आगे बढ़ा। तो हमारे हर प्रधानमंत्री का कुछ ना कुछ योगदान हमेशा ही रहा है देश को चलाने के लिए और देश की उन्नति को बढ़ाने के लिए। जैसा कि बताया कि सबका योगदान रहा, सभी प्रधानमंत्री के योगदान से देश को, जिस प्रकार देश अभी तक विकास कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा देश अपना प्रगति भी कर चुका है, अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अपना देश प्रगति कर रहा है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री संग्रहालय में भी म्यूजियम के माध्यम से अनेकों चीज़ को विवरण के रूप में दिखाया गया है। हमारे मोदी सर भी बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं देश की हर जनता को पता लग पाए कि हमारे हर प्रधानमंत्री का क्या योगदान रहा है और उनके लिए हम धन्यवाद बोल। खास बात है कि परियोजना पर काम के दौरान कोई पेड़ नहीं काटा गया है और न ही प्रतिरोपित किया गया है। संग्रहालय के लिए जानकारी प्रसार भारती, दूरदर्शन, फिल्म प्रभाग, संसद टीवी, रक्षा मंत्रालय, मीडिया हाउस, भारतीय और विदेशी समाचार एजेंसियों से जुटाई गई है। इसकी जानकारी जुटाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों से भी संपर्क किया गया है। म्यूजियम का टिकट 271 रुपए रखा गया है। टिकट की दर को साल 2018 में मंजूरी दी गई थी। संग्रहालय में कुल 43 गैलरी बनाई गई है। इसमें संग्रहालय में होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी, रियलिटी, मल्टी टच, मल्टी मीडिया, इंटरैक्टिव कियोस्क, कंप्यूटरीकृत काइनेटिक मूर्तियाँ, स्मार्टफोन एप्लीकेशन, इंटरैक्टिव स्क्रीन इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। म्यूजियम में
तोशाखाना का भी निर्माण किया गया है। तोशाखाना में ऐसे उपहारों का संग्रह है जो प्रधानमंत्रियों को देश विदेश में यात्रा के दौरान या विदेशी मेहमानों की भारत यात्रा के दौरान भेंट में मिले हैं। म्यूजियम में कुछ कमरे बनाए गए हैं। इन कमरों को कॉन्फ्रेंस या राउंड टेबल मीटिंग के लिए खाली रखा गया है। गैलरी में पीएम मोदी के 2 कार्यकालों के बारे में बताया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री संग्रहालय में युवाओं को सूचना आसान और रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित संचार सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। तो ग्लोब बना हुआ है, ग्लोब एक घूम भी रहा है, एक घूमने का इसका नए टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पे बनाया गया है जो घूम रहा है। बाकी जानकारी के लिए सर बताएंगे कि सर यहाँ इस स्थान का क्या महत्व है, संग्रहालय का ये ग्लोब जो घूम रहा है इससे क्या दर्शाते हैं आप लोग? इससे ये दर्शाते हैं, हम इस गैलरी को तो सबसे फर्स्ट ऑफ हम ये बोलते हैं इसको इकोनॉमिक क्राइसिस गैलरी, जिसमें हमारे भारत में एक संकट जो आया पैसे को लेके, इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी गिर गई थी हमारी देश की अर्थव्यवस्था, उसको बढ़ाने के लिए हमारे पीवी नरसिंह राव सर ने कई कदम उठाए जिनको इस गैलरी के माध्यम से हमने दिखा रहे हैं स्क्रीन पे कि ऐसे ऐसे करके हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस से ऊपर उभारने के लिए पीवी नरसिंह राव सर ने कितने बड़े कदम और उठाए भारत में। हम संग्रहालय में ईश्वर के साथ हैं जो हमें बता रहे हैं कि संग्रहालय में किस प्रकार का, कहां पर किस प्रकार के लोग सेल्फी ले सकते हैं, कहां पे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था की गई, पूरा डिटेल अगर देखा जाए तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ईश्वर हैं, तो पूरा एक तरफ से हमें बता रहे हैं। सर अभी जो हमें दिखाएं तो किस प्रकार का ये था, यहाँ पे साथ में पीएम के साथ चलने का? हाँ, ये वॉक टू पीएम हम इस चीज़ को कहलाते हैं, जिससे कि कहते हैं हम फेवरेट प्रधानमंत्री जो हमारे होते हैं उनके साथ हम वॉक टू पीएम और उनकी एक वीडियो बनती है और वीडियोग्राफी बनने के बाद हम उसको अपने घर ले जा सकते हैं मेल के द्वारा और अपने फैमिली परिवार और करीबी दोस्तों को हम दिखा सकते हैं। और ये यूनिटी चैन कहलाती है जिसमें एक वॉल के साथ हम लोग यूँ खड़े होते हैं जी सर, और उसको क्या कहते हैं फोटोग्राफ्स होती है इसके अंदर जिसमें यूनिटी चैन आ जाती है और हम जैसे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि ये फोटो इसके अंदर जुड़ चुकी है हमारी, और ये इससे हम एक दूसरे की यूनिटी, जैसे हम इसके नागरिक एक दूसरे जुड़ने का प्रयास करते हैं इसके द्वारा। इसके माध्यम से लोगों को क्या सबक देना चाहते, क्या बताना चाहते इसके माध्यम से कि एक यूनिट बनकर तैयार हो रही है इस प्रकार? हाँ, ये हमारे देशवासियों की एक यूनिट है जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल सर है उनको समर्पित है। प्रदर्शनी को अत्यधिक इंटरैक्टिव बनाने के लिए होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मल्टीटच, मल्टीमीडिया, इंटरैक्टिव कियोस्क, कंप्यूटरीकृत काइनेटिक मूर्तियां, स्मार्टफोन एप्लीकेशन, इंटरैक्टिव स्क्रीन आदि लगाई गई है। इस म्यूजियम में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। इस म्यूजियम में 40 से अधिक गैलरी है और करीब 4000 लोगों के एक साथ घूमने की व्यवस्था है। तेजी से बदल रहे भारत की तस्वीर से म्यूजियम दुनिया को दिखाएगा। यह ऐसा अनुभव देगा कि वाकई में हम उसी दौर में जी रहे हैं। उनसे संवाद कर रहे हैं। इस म्यूजियम में युवाओं को लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। युवा सक्षम है और उनमें देश को ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। ये भारत को जितना अधिक जानेंगे समझेंगे वे उचित फैसला लेने में सक्षम होंगे। यहाँ युवाओं को जो जानकारी मिलेगी, जो तथ्य देखेंगे उनसे वे भविष्य में निर्णय लेने में मदद ले सकेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह सर की गैलरी कहलाती है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह सर के कार्यकाल में जैसे उनके आरंभिक लाइफ को हम दर्शाते हैं यहाँ से, और जैसे किया उनको बारे में हमने दर्शाया, जैसे कि आप ये देखो फॉरेन पॉलिसी जो थी उनकी, देखो कसाब जो पकड़ा गया उनका अपना बयान दिया जा रहा है कि कैसे उसने हमारे देश में कैसे अटैक किया, उसको भी साफ देखा जा सकता है इसको आप। हम प्रधानमंत्री संग्रहालय में आपको हेलीकॉप्टर भी दिखाने वाले हैं। जो ये हेलीकॉप्टर है इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी आके बैठ चुके हैं। यहाँ पर पर्यटक आते हैं और यहाँ पर इसका आनंद लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता है कि देश का विकास किस प्रकार हुआ है, भारत का विकास किस प्रकार हुआ है, उसकी उन्नति किस प्रकार हुई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ को दिखाया गया है। इसमें लोग आते हैं, बैठते हैं और इसका आनंद लेकर आप उन्हीं से जानते हैं कि उनको किस प्रकार का फीलिंग आया है, किस प्रकार का आनंद आया है, क्या क्या उन्होंने इसमें बैठ के जाने। आप लोग विजिटर हैं, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या क्या इससे सीखे हैं? हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे आप लोग? वी हैड उसमें बैठा था हमने, और वर्चुअल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। भविष्य का निर्माण का देखा मैंने, अदानी और सोनमार्ग का वैलीज,
समथिंग ऐसा सब देखा हमने, वहाँ तक हम नहीं जा सकते, लेकिन इधर से वो फ्यूचर का क्या क्या है इधर एक्सपीरियंस, इट वॉज वेरी गुड। आपने हेलीकॉप्टर में बैठा था, पर कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखा आपने? 5 मिनट की जो राइड थी तो मज़े आए। एक्चुअली शायद गुजरात, सोनमार्ग, कश्मीर गए नहीं, पर देखा यहीं से, मज़े तो आए एंड ऑल्सो समझ में आया कि क्या है क्या नहीं देश में, तो इट्स अ क्वाइट नॉलेजेबल एंड ऑल्सो फन एक्सपीरियंस। क्या मानते हैं कि संग्रहालय कितना अच्छा है, क्योंकि इसके पहले आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि देखे थे? नहीं, कहीं नहीं तो, देखा देश में, पूरे देश में। तो आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा फीलिंग आ रहा है, क्या आप सोच रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? एक्चुअली हम साउथ इंडिया से हैं, तो बस ये देखने के लिए वहाँ से यहाँ तक आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं पूरे देश में तो हम नहीं, उधर तो कहीं नहीं देखा इतना अच्छा संग्रहालय। इस समय मैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में हूँ। यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शक आते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय का आनंद लेके जाते हैं। हम यहाँ से कुछ लोगों से बात करेंगे जो प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुँचे हुए हैं, उनको किस प्रकार का प्रधानमंत्री का फीलिंग आता है या फिर कितना अच्छा उनको देखने को मिलता है, क्या मानते हैं कितना अच्छा लग रहा है प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुँचे हुए हैं? देखिए, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं जनपद गौतम बुद्ध नगर से आज इस प्रधानमंत्री संग्रहालय को अपने व्यस्त समय में से निकाल कर मैं देखने आया हूँ। जैसे मुझे प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में मुझे चला तो मुझे एक गर्व की अनुभूति हुई। जो भी हमारा इंडियन कल्चर है, जो भी हमारे प्रधानमंत्री है, भारत गणराज्य के जितने भी प्रधानमंत्री है सबके बारे में, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, सबके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से सुबोधित किया हुआ है। और एक प्रधानमंत्री संग्रहालय में भारत का जो भी इतिहास है, जो भी संस्कृति है, जो भी प्रधानमंत्री पीएमओ से जो भी रिलेटेड है, उसको एक एक चीज़ को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से ये अपील भी करता हूँ कि एक बार सभी प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखने जरूर आए, अपनी संस्कृति के बारे में जाने, अपने इतिहास के बारे में जाने। काफ़ी आज मुझे बहुत, मैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में आया, मुझे इतना अच्छा, मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। क्या यहाँ पे आपने कुछ सीखने के लिए भी मिला, क्या क्या आप इससे प्रधानमंत्री संग्रहालय से किस प्रकार का आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और मैं यहाँ पे सीखने के लिए ही, मैं सब चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मुझे बहुत काफ़ी अनुभव हुआ है यहाँ पे, जो झलकियाँ झांकियाँ जो दिखाई जा रही हैं प्रत्येक प्रधानमंत्री, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, इमरजेंसी हो, युद्ध के बारे में हो, यहाँ पे मतलब एक से एक चीज़ें बढ़ के दिखाई गई हैं। और भारत का जो भी इतिहास है उसके बारे में सूक्ष्म तरीके से फोटोज़ के, वीडियो के माध्यम से दर्शाया गया है। और काफ़ी सबसे अच्छा यहाँ का जो अनुभव लगा मुझे, वो एक ही सेल फोन है, यहाँ पे एक हेडफोन लगा देते हैं, आप जिस भी रूम के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है उस रूम के बारे में, तो साथ के साथ हमें पता चलता रहता है कि यहाँ का क्या इतिहास है। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की ये लगी। हेडफोन का मतलब क्या है? क्या हेडफोन का मतलब मुझे इसमें क्या है, इस हेडफोन के अंदर मुझे नो कीबोर्ड दिखाई दी गई है। जिस भी रूम के अंदर मैं जाऊंगा उसमें यहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ पे एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है। मान लिए मैं एक नंबर दबाता हूँ तो मुझे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो भी झलकियाँ हैं, जो भी उन्होंने आज तक देश के गणराज्य के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके बारे में मुझे सुनने को यहाँ पे दिख जाता है इस हेडफोन के माध्यम से। और सामने चित्र उनके चलते रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संग्रहालय में इन्होंने सजेशन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है।